होगी आने के उदे करके विछोड़े आने जे सानू तोड़े आके अजे असी पाड़ते मुहब्बतां दे वरके दिल नाल दिल दियां गल्लां बड़े चिर दियां होगी आने के उदे करके विछोड़े आने जे सानू तोड़े आके अजे असी पाड़ते मुहब्बतां दे वरके चले आ दिलावे पीड़ा हटाउण दी की लोड़ सी टुटना इसी ते दिल लाउण दी की लोड़ सी टुटना इसी ते दिल लाउण दी की लोड़ सी झूठियां उम्मीदां विच आउण दी की लोड़ सी टुटना इसी ते दिल लाउण दी की लोड़ सी अज दिल नाल दिल दियां गल्लां बड़े चिर दियां हो गईयां करके फुल्ला जही जिंद राती होके आदे लेख वे लुक लुक रोना छड सराने आदे हेठ वे फुल्ला जही जिंद राती होके आदे लेख वे अपने तो वद ओनू चोण दी की लोड़ सी टुटना इसी ते दिल लोण दी की लोड़ सी तू बना लिया हौली हौली हासे आना वैर तू कमा लिया ओदे बाजो हंजुआनू यार तू बना लिया हंजुआ दी महफिल सजाउण दी की लोड़ सी
सकदी गिफ्टां नू अग ला के फूक दे कुड़े तेरे कोलो बस मैनू हंजू ही जुड़े तू ता प्यार कहिंदी सीगी होणगे गुड़े सालां दा रिलेशन पला च टह गया नी हुण तेरा रुसना फर्क पौंदा ना फर्क ता दोहां विच बड़ा पै गया नी हुण तेरा रुसना फर्क पौंदा ना फर्क ता दोहां विच बड़ा पै गया रीजा नाल गया निकम कुड़े रे बुन तयो लेने अखा ते लाक हंजू जेल को लेने नी धुप पैग ला के राती सौ लेने कदे कदे हुंदा मैं फला च बह गया नी हुण तेरा रुसना फर्क पौंदा ना फर्क ता दोहां विच बड़ा पै गया नी हुण तेरा रुसना फर्क पौंदा ना फर्क ता दोहां विच बड़ा पै गया दिल नाल चंगा खेड़ रही तेरिया भी गल्ला हुण होर हो गया मिलाउंदी ही नी अखां दा नी चोर हो गया नी तेरिया गल्ला तो फील गुड आवे ना नी दस केड़ा जट दी जगा ले गया नी हुण तेरा रुसना फर्क पौंदा ना फर्क ता दोहां विच बड़ा पै गया नी हुण तेरा रुसना फर्क पौंदा ना फर्क ता दोहां विच बड़ा पै गया तू पर ठंड जई ना पवे ठंड जई ना पवे तरसेगी वेखने नू गबरू दा मूं सनी रंधावा के मैं सांभू जिंद नू हो गया जदों दफ्तरी वाले पिंड नू तेरे शहरों दिल तड़वा के लै गया नी हुण तेरा रुसना फर्क पौंदा ना फर्क ता दोहां विच बड़ा पै गया नी हुण तेरा रुसना फर्क पौंदा ना फर्क ता दोहां विच बड़ा पै गया मठा मठा चलदा सी स्पलेंडर तेरा वे तेरी पिठ उत्ते सिर रख के सी जी लगदा मेरा वे तेरा भोला जिहा तेरा तक के बड़ा औखा सबदी सी वे मैं जानू स्पलेंडर ते आने वाले मुंडिया तू हाले तक चेते अरकानू हीरो हांडे उत्ते आने वाले मुंडिया तू हाले तक चेते अरकानू
ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਤੂੰ ਜੂਠੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਚਾਵੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ ਚੁੰਨੀ ਕੱਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਵੇ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮਲਾਵੇ ਟੋਪਰ ਰਕਾਨ ਨੇ ਵੇ ਬੰਕ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਨਾ ਚੰਨਾ ਗਿਣੇ ਬੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਚੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਿਆ ਏ ਤੂੰ ਵੇ ਤੱਕਿਆ ਏ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲੈਂਡਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰਕਾਨ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹਾਂਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰਕਾਨ ਨੂੰ ਜਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਵਧੀ ਕਦੇ ਬਾਤ ਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲੈਨੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਕਾਪ ਵੇ ਖੋਰੇ ਚੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੀ ਕਰਾਈ ਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੀ ਦਿਲ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਸਮਝਾਣ ਨੂੰ ਸਪਲੈਂਡਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰਕਾਨ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹਾਂਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰਕਾਨ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚੰਨਾ ਉੱਦਣ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਫੇਰ ਵਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਈ ਸੀ ਆਖਰੀ ਸੀ ਮੌਕਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਚੰਦਰੇ ਜੇ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਸਤਬੀਰ ਵੇ ਮਾੜਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਹੀ ਮੇਰੇ ਚੂੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲੈਂਡਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰਕਾਨ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹਾਂਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰਕਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਝੂਟੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੀਸਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਗਲਪਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਏ ਗੀਤਾਂ ਚ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਏ ਗੀਤਾਂ ਚ ਚੰਨ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਊ ਨਾ ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਚੰਨ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕਮਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੀ ਦੱਸ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕੈਸੀ ਇਹ ਦੂਰੀ ਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਲੱਖ ਮਨਾ ਲੈ
दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ। दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई। मर भी गया गल मेरी चुभूगी जरा सुन के ना जा। आज मेरी गल दा गुस्सा करके ना जा। दुख तेरे सारे रख लेने में तेरे हाथ से नहीं रखने। निर्माण तेरे में दिते हुए दिलासे नहीं रखने। ना तेरे लिए दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ। दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ। दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई आ। Shernaxis. तेरे वांगू ही कोई हक जताओ लग पई है। हुन फेर तो धोखा देन लई कोई चाउन लग पई है। हुन फेर तो धोखा देन लई कोई चाउन लग पई है। ओदे झूठे दावे सुन के यादा विच ओदे झूठे दावे सुन के यादा विच खोए हाण दिए। राती लव यू ओदा सुन के बड़ा ही रोए हाण दिए। राती लव यू ओदा सुन के बड़ा ही रोए हाण दिए। किसे नाल लाली है तेरा गम भुलाउणे नूं दारू विगल नाल लाली है। तेरा गम भुलाउणे नूं दारू विगल नाल लाली है। पर पहला वाली नींद ना मुड़के सोए हाण दिए। राती लव यू ओदा सुन के बड़ा ही रोए हाण दिए। राती लव यू ओदा सुन के बड़ा ही रोए हाण दिए। पुछे ता अज भी तेरे बारे सोचदा रहना। गल वकड़ी पाके हुण भी जदों ओदे नाल मैं पैना। मेरे हाथ दा हौसला नहीं पैदा ओनू छोए हाण दिए। राती लव यू ओदा सुन के बड़ा ही रोए हाण दिए। राती लव यू ओदा सुन के बड़ा ही रोए हाण दिए। ओ सिमर नू मारना चाहुंदी है ओनू मारिया बुरे हालातां ने। कुछ उच्चे नीवे बाले
रौले जाता पता दे कुछ उच्चे नीवे बाले सी कुछ रौले जाता पता दे हुण जौंदियां विच ना आई कदों दे मोए हण दिए राती लव यू ओदा सुन के बड़ा ही रोए हण दिए राती लव यू ओदा सुन के बड़ा ही रोए हण दिए केड़ी मिट्टी फरोलदी है तू सिवा सिमरदा सड़ गया हूं छड दराहा किथे लभेंगे ओ ता हुण तक मर गया होना ਜਿਹੜੇ ਸਾਬ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ
हाथ फड़ के रखना सी तू खुद हाथ जोड़ गया जे दिल रू तो लाए जान हर बोल पगाए जान थे कर धोखा नहीं हुंदा उथे कर धोखा नहीं हुंदा कुछ कमी तरह गई है मेरी चाहत विच सजना नहीं किसे नू इंज भुलना इन्ना सौखा नहीं हुंदा तू खुदा दे वरगा सी ना कोई खास सी तेरे तो एक बारी दस जांदा की होई गलती मेरे तो तू खुदा दे वरगा सी ना कोई खास सी तेरे तो एक बारी दस जांदा की होई गलती मेरे तो गल प्यार दी हुंदी है एतबार दी हुंदी है इश्क विच सौदा नहीं हुंदा इश्क विच सौदा नहीं हुंदा कुछ कमी तरह गई है मेरी चाहत विच सजना नहीं किसे नू इंज भुलना इन्ना सौखा नहीं हुंदा कुछ कमी तरह गई है मेरी चाहत विच सजना नहीं किसे नू इंज भुलना इन्ना सौखा नहीं हुंदा ज्यों देवी तेरी सी मर के भी तेरी हां प्रीत सुख तेरे नाम लाया जिंदगी मेरी आ बड़ी देर हो चली क्यों छड़ गया सी कली दूजा जिंदगी दे विच मिलदा कदे मौका नहीं हुंदा कुछ कमी तरह गई है मेरी चाहत विच सजना नहीं किसे नू इंज भुलना इन्ना सौखा नहीं हुंदा ले नसके किस बतिया वंदा जू हस हस के मन कर तर कट ले नसके अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हो। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि तुम भी मेरी तरह हमला कर दिया होता है।
और देखते ही देखते वो सभी उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुँच जाते हैं। वहाँ मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीट कर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरिन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है जिसे वो वोल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग धोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं जो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुँचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजीबदर्द होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं जहां भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहां उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहां आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वही होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डेलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन्स ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था, और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन्स कहाँ पर है, और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ। उधर हम चारों हॉर्समैन्स को एक मैजिक शॉप में देखते हैं, और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीज़न था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे, और इसलिए डैनियल अब आई को कॉन्टेक्ट करता है, और अब वो बहुत ज़्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है, तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेलवन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहाँ जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड टेलवन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेलवन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स। वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एरेबिस के अड्डे पर। वहाँ जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कॉर्टेक्स से कहता नजर आता है जिसके पास कई भेड़े होती है। उसे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती है। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहाँ मैकी और अर्ल आते हैं। वो इस भयानक नज़ारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं।
वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से 4 कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोज को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है, इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था, इसे लेकर काफी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था। दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था। खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।